हिंदू समुदाय में पितृ श्राद्ध को विशेषतः मान्यता दी जाती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता है, उनकी शांति के लिए प्रयास करता है। यदि अपने वंशज से पितृजी संतुष्ट हो जाएं, तो उसके बदले में आयु, बल, सुख एवं धन प्रदान करते हैं, जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों का भोग कर सौभाग्यवान बन जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि पूर्वजों का श्राद्ध उनके वंशजों द्वारा विधि पूर्वक नहीं किया जाता, तो उनकी आत्मा पाताल में सालों साल तक यूं ही भटकती रहती है, जिस कारण वो अपने वंशजों से रुष्ट हो जाते हैं और उनके सफल कार्यों में भी विघ्न आने लगते हैं। इसलिए वंशज अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु विधि व श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, जल भोजन आदि अर्पित करते हैं। विगत वर्ष में देश विदेश के श्रद्धालुओं ने भारत दर्शन टीम के माध्यम से अपने पितृ कल्याण हेतु भागवत पोथी पाठ, ब्राह्मण भोज, तर्पण इत्यादि कराया। पितृ पक्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन शांति धाम वृंदावन में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में किया गया था। इस कार्यक्रम में देश विदेश के उन श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने दूर होकर भी भारत दर्शन टीम के माध्यम से पितृ कल्याण हेतु ब्राह्मण भोज व विप्र भोज आदि कराया। वहीं इस वर्ष भी पितृपक्ष में गया बिहार में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके साथ पितरों के लिए ब्राह्मणों के साथ पूजा पाठ, पिंडदान, भागवत पोथी पाठ एवं तर्पण इत्यादि कराया जाएगा। यदि आप भी इस वर्ष अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में यजमान बनकर अवश्य सम्मिलित हों। इस कार्यक्रम के पश्चात शांति सेवा धाम वृंदावन में 17 से 25 सितंबर तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में गरुड़ पुराण कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। गरुड़ पुराण कथा का लाभ मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बने। इन कार्यक्रमों में अपने पितृ के लिए भागवत पोथी पाठ, तर्पण, विप्र भोग इत्यादि कराने के लिए भारत दर्शन ऐप या bharatdarshan.today वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7351112221 और 7351113331 पर।